हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का Y02 वर्सेस ओप्पो का A17K, इस तरह के की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर आपने इन दोनों कोई भी सेट चला के देखना या परचेज करना, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो सिंपल सा कंपेरिजन रहने वाला है। तो हम आपको सबसे पहले लॉन्चिंग डेट बता दें। इसको लॉन्च होकर 1 महीना हुआ है, इसको लॉन्च होकर 1 हफ्ता ही हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन की, उससे पहले बात करते हैं लुक के बारे में। लुक दोनों के काफ़ी औसम है, चेक कर सकते हो लुक के बारे में। लुक दोनों की काफ़ी औसम है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में, ये आपको 9,000 रुपये का देखने को मिलेगा ओप्पो का, वीवो का Y02। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं A17 की, तो ये आपको 10,000 का देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 10,000 और 9,000 रुपये में डिफरेंस कहाँ पे आता है आपके कॉन्फ़िगरेशन का। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की कौन से है ये 4G सेट रहने वाला है दोनों के दोनों सेट। अगर हम बात करते हैं इन दोनों की डिस्प्ले की, अगर इसकी डिस्प्ले की साइज की बात करते हैं, इसकी जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो रहेगा 6.5 इंच HD+ IPS डिस्प्ले रहेगी, ठीक है, जिसका कैमरा रहेगा बटर ड्रॉप नॉच में। अगर हम ओप्पो की बात करते हैं तो ओप्पो में जो रहेगा वो रहेगा आपका 6.56 इंच HD+ IPS डिस्प्ले। मतलब कि डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की सेम है, बस इसका साइज़ थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिल जाता है। अगर हम इन दोनों के फ्रंट के कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट के कैमरे दोनों के 5 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। दोनों के एक बार फ्रंट कैमरा चला के देख लेते हैं, चेक कर सकते हो इनके फ्रंट कैमरा। ओके, तो चेक कर सकते हो दोनों के फ्रंट कैमरे में डिफरेंस कितना देखने को मिलता है। इसमें HDR में फ़ोटो मिल जाती है, इसमें अगर आप करते हो तो इसमें मिल जाती है। कैमरे दोनों के काफ़ी बढ़िया रहते हैं, कैमरा में मेमोरी में आजकल सारे सेट बढ़िया ही रहते हैं। बट ड्रॉप नॉच में देखने को मिल जाता है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता, वो बात अलग है, इसका प्लस पॉइंट है। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो राइट साइड में दोनों के वॉल्यूम की है। पावर लॉक दोनों के सेम पोजीशन में है, पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट साइड में ही देखने को मिलता है। अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट में सिम स्लॉट दोनों में सेम देखने को मिल जाएंगे। अप की बात करते हैं तो अप में वीवो में आपको स्पीकर ग्रिल ऊपर देखने को मिल जाती है, और ओप्पो एकदम आपको क्लीन देखने को मिलता है। डाउन की बात करते हैं, डाउन में स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, माइक्रो चार्जर देखने को मिल जाता है, मेन माइक और आपको 3.5mm का हेडफोन जैक दोनों में देखने को मिल जाता है। बस इसका स्पीकर ग्रिल नीचे है, उसकी स्पीकर ग्रिल ऊपर आ जाती है, थोड़ी अलग आ जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक में दोनों में सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। इसकी लुक कुछ ऐसी रहती है, इसकी लुक कुछ ऐसी रहती है। अगर हम बात करते हैं इसके कैमरे की, तो इसका जो कैमरा रहेगा वो 8 मेगापिक्सल रहेगा, प्लस साथ में फ्लैश रहेगी, नीचे ब्रांडिंग रहती है वीवो की। इसमें आपको कलर मिल जाता है 2, इसमें आप चेक कर सकते हो सिंगल कैमरा रहता है जो कि रहेगा आपका 8 मेगापिक्सल का, साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है आपको ओप्पो की, इसमें भी आपको कलर मिल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोनों की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो इसकी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी वो लगभग सेम है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी आपकी 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, ठीक है, मतलब 3GB और 32GB। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी रैम थोड़ी सी ज़्यादा, इंटरनल मेमोरी थोड़ी ज़्यादा है। रैम इसकी सेम है, 3GB रैम है और 64GB इसकी स्टोरेज है। अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चे तो आपको काफ़ी प्लस पॉइंट मिल जाते हैं इसमें। उसके बाद अगर आप प्रोसेसर की बात करते हो, तो इसमें आपको जो मीडिया टेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो P22 देखने को मिल जाता है। इसकी बात करते हो, इसमें आपको मीडिया टेक का G35 देखने को मिल जाता है, मतलब प्रोसेसर के मामले में। उसके बाद आपको पावर लॉक बटन देखने को मिल जाएगा इस साइड, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा पावरफुल मिल जाता है। उसके बाद अगर बैटरी की बात करते हैं, बैटरी में दोनों में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और 10 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये सिंपल सा कंपैरिजन था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर कंपैरिजन अच्छा लगा लाइक कर देना। अगर आपने चला के देखना या आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब ओप्पो में जो देखा जाए तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है डिस्प्ले का, आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है, पावर लॉक बटन देखने को मिल जाता है, जो कि बैटरी की प्रोसेसर भी बेटर मिल जाता है। तो ओवरऑल बाकी सारा सेम देखने को मिलेगा। तो अब आपकी चॉइस है, आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बस लुक इसकी अच्छी लग रही है, पर अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें प्लस पॉइंट आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, 1000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।